पूर्वी बिहार की सबसे बड़ी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल सह महाविद्यालय भागलपुर का जिलाधिकारी डॉक्टर अमरेश चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की सारी व्यवस्था उन्होंने बारीकी से देखा। अस्पताल अधीक्षक को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं अस्पताल में भारी भीड़ को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि मरीज के साथ एक से अधिक सहायक होने की वजह से भीड़ लगती है, जबकि एक से अधिक व्यक्ति अलाउड नहीं है। सड़क दुर्घटना वाले मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की बात कही गई है। निकू में भी कई बार जो बेड है ऐसे खाली पड़े हैं, उसको स्टार्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा छोटी मोटी जो कमी के कारण से हमारी कई चीज़ें स्टार्ट नहीं हो पाई थी, छोटी मोटी की कमी के कारण से हमारा ओटी उस रूप में फंक्शनल नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और इसमें 20 तक हम सभी चीज़ों को हम लोग बूस्ट करेंगे, ताकि यहाँ के आमजनों को अधिक से अधिक लाभ। मैं आपके माध्यम से यहाँ की पूरी तमाम जनता से अनुरोध करता हूँ कि जब कभी भी अटेंडेंट आते हैं तो मात्र एक की संख्या में ही वार्ड में अलाउड है, क्योंकि जितने अधिक अटेंडेंट आएंगे वो उतनी प्रकार की बीमारियों को लेकर के आएंगे और मरीज को फैलाएंगे। इसलिए मेडिकल सिस्टम में मिनिमल एक्सेस दिया जाता है कि बाहर सिर्फ मरीज के साथ या तो एक अटेंडेंट हम लोग अलाउ करते हैं, अथवा वो भी अटेंडेंट अलाउ नहीं करते हैं यदि सीरियस मरीज है तो, जैसे कि ICU में भी हम अटेंडेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, ताकि वो जो अटेंडेंट आएंगे उनके माध्यम से अन्य मरीजों को जो यहाँ भर्ती हैं उनको बीमारी नहीं फैल सके। हमने सुपरिटेंडेंट साहब से कहा है कि आप सिंगल कार्ड जो है आप इशू कीजिए पर बेड के लिए, और यदि कोई व्यक्ति इसमें प्रतिरोध करता है तो आप उनसे बोलिए कि भाई आपको डिस्चार्ज करा के ले जाना है तो आप हमें मरीजों कहीं डिस्चार्ज करा के ले जा सकते हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था में जो निर्णय लिया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और ख़ास करके जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उसमें हमने कहा है कि यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसमें आप दो पास भी एक पेशेंट के साथ आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, लेकिन सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस को छोड़ दिया जाए तो अन्य जगहों पे एक पास ही एक मरीज के साथ हम लोग देंगे, ताकि एक अटेंडेंट एक टाइम में रह सके और लोगों को हम सुरक्षा बीमारियों से सुरक्षा दे सकें। 1 जुलाई से थाने में प्राथमिकी दर्ज करने में सुसंगत धाराओं में परिवर्तन को लेकर आज भागलपुर के समीक्षा भवन में DSP 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में जिले के सभी थाना के इंस्पेक्टरों और थाना प्रभारी के साथ बैठक की गई, जिसमें नए धाराओं में किस केस में अनुसार क्या धारा लगाना है इसको लेकर प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 3 दिनों तक चलेगा। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 10वीं सीनियर राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता खेल के दौरान 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए आनंद फानन में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। घायल बच्चों में शामिल जहानाबाद की कोमल कुमारी, जमुई की श्रुति, रवि एवं लक्ष्मी शामिल है। सभी बच्चे राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता में शुक्रवार को खेल रहे थे, इसी दौरान चोट लगने से घटना हुई। श्रुति के हाथ में गंभीर चोटें आई है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 दिवसीय स्तरीय प्रतियोगिता सैंडिस कंपाउंड में आयोजित की गई है, जिसमें 22 जिलों के लड़का 17 जिलों से लड़की की टीम ने हिस्सा लिया है। घायल सभी बच्चे जहानाबाद के पंकज ज्योति स्पोर्ट्स एकेडमी के शामिल हैं। और इसमें कुल 22 का टीम और 17-10 का टीम पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये आयोजन यहाँ खेले गए बच्चे का सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए होगा। खेलने के दौरान बच्चे को, हाँ वो तो थोड़ा सा इंजरी गेम है, खेलने के दौरान बच्चे का हल्का फल्का चोट लगी है। कितने बच्चे घायल हैं? दो तीन बच्चे हैं, कोई जमुई के हैं, जहानाबाद के तरफ के बच्चे हैं, कोई तो सभी का ट्रीटमेंट, हाँ चेक ट्रीटमेंट चला चल रहा है, कोई सीरियस इंजरी नहीं है, मामूली इंजरी है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में शनिवार को 34वें छात्र दरबार का आयोजन कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में किया गया। मौके पर शिक्षा विभाग से जुड़े कुल 328 मामलों का निष्पादन किया गया। छात्र दरबार को संबोधित करते हुए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि छात्र दरबार के नियमित आयोजन से छात्रों को काफी फायदा मिल रहा है। छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन संवेदनशील, तत्पर और कटिबद्ध है। बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के तहत भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन का मिलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के कला केंद्र में किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों फोटोग्राफर एकत्रित हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरालाल के अलावे बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश, समाज सेवी डॉक्टर आलोक यादव, समाज सेवी शिक्षाविद प्रशांत विक्रम सिंह, समाज सेवी विजय कुमार यादव, भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता के अलावे दर्जनों पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कैमरों और फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं सोनी कैमरे का कार्यशाला एवं फोटोग्राफी व्यवसाय संबंधित प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य है फोटोग्राफर के व्यवसाय को मजबूत करना और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, संबल हो, जिससे फोटोग्राफर अपने परिवार का भरण पोषण ढंग से कर पाए। हम लोग यहाँ पर फोटोग्राफर का मिलन समारोह रखे हैं, इसमें जो है सारी प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी है। इसमें सबसे पहले हमारा 9 से 10 बजे तक पूरे फोटोग्राफर का एंट्री किया जाएगा। उसके बाद एंट्री का कार्य समाप्त होगा। 10 बजे मेरा जो है वर्कशॉप का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वर्कशॉप का उद्घाटन हमारे समाज सेवी विजय यादव जी और जिला परिषद के चेयरमैन श्री मिथुन यादव के तरफ से संपन्न होगा और उसके बाद जो है हमारा वर्कशॉप 10 बजे से लेकर के 1 या 2 बजे तक चलता रहेगा। ये सारा कार्यक्रम कहाँ होना सुनिश्चित? सारा कार्यक्रम जो है हमारा कला केंद्र भागलपुर जो लाजपत पार्क के बगल में है वहीं पर हो रहा है। और उसके बाद भी 2 बजे डिनर का प्रोग्राम रखा गया है और उसके बाद 3 से 5 बजे तक पूरे भागलपुर के फोटोग्राफर जितने भी हमारे बंधु भाई हैं उनको जो है एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा सम्मान के साथ। और उसके बाद जो है बिहार से आए हुए सभी जिला पदाधिकारी जो फोटोग्राफर एसोसिएशन के हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। 27 जिला के फोटोग्राफर पदाधिकारीगण यहां पर पहुंच रहे हैं। हम लोग भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के अधीन उन्हें सम्मान देने का कार्य करेंगे और फिर 5 बजे मेरा उद्घाटन सत्र प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें जो है हमने मेयर, उप मेयर, समाज सेवी,